हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल जागो इंडिया जागो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे सीक्रेट्स की जिसे आप नहीं जानते। हर इन्वेस्टर्स के मन में होता है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो SIP करे या लमसम। तो बात हम इस पे नहीं करेंगे कि कौन सा बेटर है, दोनों की अपने अपने इम्पोर्टेंस है और दोनों की स्ट्रेटजी अलग है। तो हम बात करेंगे कि किस तरह इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पा सके। एक इन्वेस्टर्स होने के नाते हमारे दिल में हमेशा ये रहता है कि हम कितना ज्यादा रिटर्न अपने म्यूचुअल फंड से ले सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन सा ट्रिक है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अपने म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा, इसीलिए स्किप ना कीजिए। तो चलिए जानते हैं कौन ऐसा ट्रिक है जो कि आपको दूसरे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बताते। फ्रेंड्स, अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा मार्केट फॉलो ना करना पड़े और आपको रिटर्न मिल जाए, तो इसके लिए SIP बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें कि आप थोड़ा सा भी अगर मार्केट को ओवरलुक करते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐप्स है जिससे आप म्यूचुअल फंड का NAV देख सकते हैं, तो भी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए मैं वो ट्रिक बताता हूँ कि आप NAV देखकर कैसे एक अच्छे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, ये HDFC स्मॉल कैप फंड है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। आप देखिए ऊपर टॉप में मेरे मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं अब NAV दिखाऊंगा आपको। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको NAV दिख रहा होगा जो कि 47 रुपीज़ 54 है 14 अप्रैल का। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि मार्केट अगर डाउन हो, आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे, अगर आपका NAV 42 रुपीज़ है 20 फरवरी को, तो आप यहाँ पे लमसम कीजिए। उसके बाद देखिए, अगर SIP करते तो आपको, अगर SIP हर महीने करेंगे तो देखिए मई 30 को आपको 47 रुपीज़ का भी लेना पड़ेगा यूनिट्स, आपको हाई रेट में बाई करना पड़ेगा। लेकिन आप म्यूचुअल फंड का NAV बाय करना या फिर NAV यूनिट्स खरीदना बहुत इजी है। आपको पता है किसी भी ऐप से जाके हम डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। तो आप थोड़े होल्ड कीजिए और देखिए जैसे मार्केट गिर रहा हो आप क्या करेंगे। देखिए 6 मई को आपको, और देखिए 16 मई को अगर देखें तो 43 रुपीज़ का फिर NAV आपको मिलेगा। देखिए मई को आपने देख लिया कि मई को हमने 43, अब फिर आपको दिखाता हूँ 14 फरवरी का। देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 3 महीने का गैप है। तो आपको क्या करना है, SIP का अमाउंट को होल्ड करके रखना है और आपको इकट्ठे एक साथ उसमें इन्वेस्ट कर देना है। तो NAV को फॉलो करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये कोई भी कर सकता है किसी भी ऐप्स से। ये ग्रो ऐप्स है, मैं इसे इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसे डाउनलोड किया। देखिए कितना अंतर होता है, मैं 42 रुपीज़ का NAV ले सकता था, नहीं होता तो 43 का लेता। ऐसे हो सकता है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है अप एंड डाउन में, लेकिन हमारा SIP एक बार कर दिया तो हमें उसको फॉलो नहीं कर पाते। उसमें इन्वेस्टमेंट जिस डेट को कर दिए वो सिस्टमेटिक हमारे बैंक के अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है और हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। तो यही अंतर है, अगर SIP आप करते हैं और लमसम करते हैं तो लमसम में डेफिनेटली आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसके लिए आपको पैसिव इन्वेस्टर से हल्का सा 5% आपको क्या करना पड़ता है, एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना पड़ता है और एक्टिव इन्वेस्टर बनना पड़ता है, मार्केट को देखना पड़ता है। देखिए NAV अगर दिखाऊं मैं 22 जुलाई का तो 42 रुपये 42 रुपीज़ है। आप इस डेट को अगर इन्वेस्टमेंट करते कितना चढ़ता, और 11 अगस्त का अगर देखें तो ओनली 40 रुपीज़ में आपको NAV मिल जाती। यानी कि आपको देखना है कि NAV कब डाउन हो रहा है, और 3 महीने बाद देखेंगे आप NAV डाउन होता ही है। जितना भी आप देख लीजिए, मैं आपको अब इसके एग्जांपल के लिए, अच्छा एक एग्जांपल देने के लिए और एक म्यूचुअल फंड को दिखाता हूँ स्मॉल कैप से ही।
तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये केस स्टडी कर रहा हूँ मैं आपके सामने। कोई ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैं छुप के आपको कुछ ऐसा गलत गाइड करूँ, आपको कोई भी फंड एडवाइज़र ऐसे नहीं बताएगा जैसे कि मैं बता रहा हूँ। अब देखिए मैं दूसरा एक म्यूचुअल फंड का आपको दिखाता हूँ कि उसमें भी सेम ये केस स्टडी सक्सेस होगा। मैं अब दूसरे म्यूचुअल फंड पे चलता हूँ। हम आ गए दूसरे म्यूचुअल फंड को देखने, रिलायंस स्मॉल कैप देखता हूँ मैं, जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। तो देखिए इसमें भी आप देख पाएंगे, मैं दिखाता हूँ इसका NAV 18 फरवरी को 37 रुपीज़ है, यानी कि आप इसका वेट कर सकते हैं। और देखिए यही आप देखेंगे कि मार्च में सेम एक महीने बाद इसका 42 रुपीज़ हो गया, वहीं मार्केट फिर डाउन हुई और 10 मई को इसका हो गया 41 रुपीज़। देखिए ये NAV दिखाने का मतलब साफ है कि आप इस चीज़ का वेट करें कि कब मार्केट गिरे। देखिए 27 अगस्त को 27 रुपीज़ हो गया NAV। अगर इसी समय आप लमसम करें तो सोचिए आपका जो लॉस है कितना जल्दी रिकवर होगा। देखिए फरवरी टू अगस्त ऐसा आया, फरवरी में जहाँ 37 था वहीं आपको अगस्त में भी वैसे ही 30 रुपीज़ पे मिल रहा था। तो देखिए इतना बीच में जो गैप है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये सारे हमें क्या करना है, उनके SIP के अमाउंट को होल्ड करके रखना है और मार्केट जैसे गिरे हमें इन्वेस्ट कर देना है लमसम के थ्रू। तो यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक बताया मैंने जिससे कि आप ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करके जाइए और धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।